गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ लर्निंग. दिस इज योर बिजनेस स्टडीज क्लासेस. ओके, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेटरी कॉरपोरेशन होता क्या है एंड इनके फीचर्स क्या है. ओके, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन. ठीक है, व्हाट आर द मेरिट्स, मतलब क्या क्या इसके मेरिट्स है. सबसे पहले तो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी. हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. सारे फैसले मिनिस्टर लिया करते थे, या फिर फैसले लेने से पहले उनको मिनिस्टर से पूछना था. ठीक है, बट यहाँ पे उनका जो डिसीजन है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है एंड फ्लेक्सिबल है. दे कैन डिसाइड ऑन देयर ओन, वो लोग खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन. अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिजन एज देयर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन्स. कह रहा है कि जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वहां पे रेड टैपिज्म नहीं है. व्हाट इज दिस रेड टैपिज्म? रेड टैपिज्म नहीं है. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स का मतलब रेड टैपिज्म मतलब होता है डीले इन डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी डीले नहीं होता है. दैट इज इट इज फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म. क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे फाइल वर्क पेपर वर्क बहुत ही कम है. सारे फॉर्मेलिटीज जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ही कम है. वो लोग अपना में इंस्टेंटली वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी. ओके, सर्विस मोटिव. द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट. ठीक है, दिस इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ये पब्लिक मोटिव या फिर सर्विस मोटिव के लिए भी बाई जाती है या फिर मशहूर है. क्यों? क्योंकि इसके सारे एक्ट या फिर एक्टिविटीज पार्लियामेंट में डिस्कस होता है. ये इंश्योर्स करता है कि ये जो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, इफिशियंट स्टाफ. एज यू नो दैट दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. इनके पास अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग रेमोनरेशन, मतलब रिगार्डिंग कितना सैलरी पे करना चाहिए, कैसे भर्ती करना चाहिए एम्प्लॉय को, रिक्रूटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं. रिमनरेशन मतलब होता है सैलरी. इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज टू स्टाफ एंड सिक्योर इफिशियंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ. तो वो क्या करते हैं, अपने स्टाफ को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. और इस वजह से जो स्टाफ है वो चाहते हैं कि अपना जो वर्क है एफिशिएंटली वहाँ पे वर्क करे और काफ़ी दिनों तक वहाँ पे वर्क करते हैं. दे आर मोटिवेटेड इन अदर टर्म्स. प्रोफेशनल मैनेजमेंट. इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट सो एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट्स. तो यहाँ पे जो उसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होते हैं. वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. लाइक लेबर का एक लीडर होता है, कंज्यूमर ग्रुप का भी एक लीडर होता है, जिससे कि चीज़ें और आसान हो जाती हैं और एक्सपर्टाइज तरीके से हो जाती हैं. Now we are going to see about the demerits or disadvantage of public corporation. ठीक है, पहला है autonomy on paper only. ठीक है, autonomy and flexibility of the public corporation is only for namesake. यहाँ कह रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं इसके merits में कि बहुत ही flexible है और उसको administrative autonomy मिली है, मतलब वो अपने आप खुद ही manage कर सकता है सब कुछ. He is independent to manage all his affairs. मतलब ये सारे चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये सारे सिर्फ पेपर वर्क के लिए है सारे. ठीक है, ये लिखा है कि ये सारे सिर्फ नाम के हैं और सिर्फ पेपर में ही ऐसे दिखाए जाते हैं, बट रियलिटी में क्या होता है, मिनिस्टर गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज का ऑफन यहाँ पे इंटरफेरेंस रहता है इनके डे टू डे वर्किंग में. हमेशा से मिनिस्टर्स गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के डे टू डे इंटरफेरेंस हमेशा से यहाँ देखे गए हैं. ओके, सेकेंड इज लैक ऑफ इनिशिएटिव.
पब्लिक कॉरपोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एज नॉट गाइडेड बाई प्रॉफिट मोटिव, ठीक है. सो द एम्प्लॉय डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस द लॉस. द लॉसेज ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एज मेड गुड बाई द गवर्नमेंट. दूसरी है लैक ऑफ इनिशिएटिव. जैसे कि आपको पता है कि इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसका मोटिव है सर्विस मोटिव, ठीक है. तो इनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन किसी से फेस करना पड़ रहा है क्योंकि इसको प्रॉफिट अर्न करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इनफैक्ट यहाँ पे देखा गया है कि मतलब जो इनका लॉस भी होता है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा भर दिया जाता है. मतलब किसी साल अगर इसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो गवर्नमेंट अपने बजट से इनको पैसा दे करके भर दी जाती है. तो ऑल दिस कंडीशंस, ऐसे जितने भी कंडीशंस है, यहाँ के एम्प्लॉई को वर्क हार्ड करने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं, और साथ ही साथ इनको वर्क हार्ड करने के लिए तो एक तो मोटिवेट नहीं करते, और यहाँ तक कि जो लॉसेस हो रही हैं उसको भी रिड्यूस करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते हैं. रिजिड स्ट्रक्चर. द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दिस कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टेटस और एक्ट. अमेंडिंग द एक्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड एक्ट. मतलब ये है कि इनको अपना पावर, रिजिड एक पावर बता दिया गया कि आपको ये इतना ही पावर है और इतना ही पावर को यूज करना है, ठीक है. अगर उनसे उससे ज़्यादा पावर जो डिफाइंड है उससे ज़्यादा पावर अगर इनको चाहिए तो पार्लियामेंट में एक्ट पास करना होता है, जो कि काफ़ी रिजिड और कॉम्प्लिकेटेड प्लस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है. मतलब इनको अगर अपना दायरा बढ़ाना है या तो फिर कुछ कहीं पे ग्रोथ करना है और कहीं पे डिसीजंस एक्स्ट्रा लेना है तो इनको पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाना होगा, तभी ये लोग कर सकते हैं. और आप समझ रहे हो एक्ट पास करवाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. Unfair practices. The government board of public corporation may indulge in unfair practices. It may charge unduly high prices to cover up inefficiency. मतलब कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं और इनको तो फिर जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में, तो कभी कभी अपने लॉस को ढकने के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस कर लेते हैं और ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करते हैं ताकि इनका जो लॉस है या फिर इनएफिशिएंसी है वो कवर हो पाए, ठीक है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे सुटेबिलिटी. ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक पब्लिक कॉरपोरेशन वो कहाँ सुटेबल होते हैं, ठीक है. वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर्स मोनोपोली पावर्स. जहाँ पे हमें मोनोपोली पावर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जहाँ पे हम खुद अकेले रूल करना चाहें. वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर स्पेशल पावर डिफाइंड बाय द एक्ट और स्टेटर. जहाँ पे हमें स्पेशल पावर्स की ज़रूरत होती है जो कि हमें पार्लियामेंट से लेना पड़ता है. वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर्स रेगुलर ग्रांट फॉर द गवर्नमेंट. लाइक यहाँ पे एग्जांपल आपको क्या मिला है, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, FCI, ठीक है. तो यहाँ पे इनको क्या होता है, काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और यहाँ पे इनको रेगुलर गवर्नमेंट से ग्रांट भी चाहिए होता है, ठीक है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये सूटेबल होता है क्योंकि रेगुलर गवर्नमेंट से ग्रांट का मतलब है गवर्नमेंट हमेशा रेगुलर उनको कुछ ना कुछ बजट से या फिर कैपिटल प्रोवाइड कराती रहती है. वेयर द अंडरटेकिंग्स रिक्वायर अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. जहाँ पे गवर्नमेंट को दोनों चाहिए, पब्लिक भी का भी सपोर्ट चाहिए और खुद भी वो लगाए, मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए, वहाँ पे भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल होते हैं. दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. होप यू एंजॉयड लर्निंग. थैंक यू.